हेलो दोस्तों, अब हम तैयार हो गए हैं। आज अनुराग के कॉलेज जाना है। बेसिकली हमने रजिस्ट्रेशन तो हमने करवा दिया था, तो लेकिन उनसे ये पूछ लें कि भैया कॉलेज कब खुल रहे हैं, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, तो इसी के लिए आज हमने प्लान किया है। और जो बैलेंस फीस थी कॉलेज की, तो वो भी आज हम सबमिट करवा के आ जाएंगे। तो ये तो था अभी अनुराग के कॉलेज जाने का वो। और एक चीज स्पेशल आप लोगों के लिए, एंड जरूर देखिएगा, देयर इज स्मॉल सरप्राइज फॉर यू। कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, बट यस इट्स वेरी स्मॉल फॉर यू। थैंक यू। तो निकल पड़े हैं कॉलेज के लिए, रही है हमारे साथ में। क्लासरूम बुक्स कहाँ मिलेंगी, क्योंकि बुक्स उन्होंने बोला था कि यहीं मिलेगा सब कुछ, बुक्स कुछ भी बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, चल दिए लिफ्ट में। लिफ्ट का भी बड़ा लफड़ा है, बहुत टाइम लगाती है नीचे आने में ऊपर जाने में। अरे तो कॉलेज 24 तारीख से खुलेंगे, कब से खुलेंगे कॉलेज का भी तो वो रहेगा ना। 26 इसी मंथ से ना। हाँ तो जब कॉलेज खुलेंगे तो फिर पहले के काम देख लेते। तो चल दिए सब, अब हमें जाना है यहाँ से। हम भिवाड़ी से हमें जाना है गुड़गांव हीरो होंडा चौक। तो हीरो होंडा चौक यहाँ से लगेगा 1 घंटा पहुँचने में, तब वहाँ जाके एक बार मिले हैं क्या करना है। राजस्थान रोडवेज की बसें यहाँ पर रुकती है ना, स्टैंड है ना ये? हाँ, स्टैंड है। फिर ठीक है, आती रहती है 5-10 मिनट में। तो हम ये पता कर रहे थे कि यहाँ से राजस्थान रोडवेज की बसें आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये चौक है, इस चौक से कॉलेज बस में जाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अभी हम ऑन द वे ही हैं, चले ही जा रहे हैं, क्योंकि वहां से एग्जैक्ट 1 घंटा लगता है हमें यहाँ पहुंचने में। तो बस थोड़ी देर में अब हम मानेसर हमने क्रॉस कर दिया और टोल टैक्स पहुंचने वाले हैं। तो टोल टैक्स के बाद 10 से 15 मिनट का ही रास्ता रहेगा वहाँ पहुंचने का। हम गुड़गांव पहुंच गए और ये बस आगे से कहीं राइट लेंगे हम। तो हम ये सेक्टर 34 है, ये रीच। हाँ, ये मार्बल मार्केट के हैं, DPG डिग्री कॉलेज जाम ने तो हम पहुँच तो गए। सामने अगर आप देख सके तो वो जहाँ पे कारें खड़ी हैं, देयर इज द कॉलेज ओनली। तो दोस्तों हम DPG डिग्री कॉलेज फाइनली पहुँच गए और अब उतर के एक बार देखते हैं, फीस जमा करा दें, इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, एक बार जरा स्टाफ से बात करके आते हैं। फीस का पता लगा कि बस सब कॉलेज से बस निकल ही रहे हैं। फाइनली कॉलेज से बाहर आते हुए, तो दोस्तों फीस के बारे में, क्लासेस कब शुरू होंगी उसके बारे में बस यही हमें जानकारी लेनी थी, तो ये जानकारी ले ली हमने। फीस जमा करानी थी, डन। कॉलेज बढ़िया है ये, के कॉलेजों में तो एयर कंडीशन सब कुछ है। हमने जब कॉलेज किया था तो गवर्नमेंट कॉलेज था, कोई फीस नहीं थी। 3 साल हरियाणा रोडवेज की बसों में आए गए, अब तो कॉलेज जाने के लिए भी कार चाहिए, बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, बस फाइनली इट्स गुड। जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। वो कॉलेज से तो बाहर आ गए, अब छोले कुलचे लिए हमने, इस छोले कुलचे का भी अपना ही मजा है। देखो ऐसा भीड़ भड़का है कि पैर रखने की जगह ना हो। ये हीरो होंडा चौक गुरुग्राम। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए घर पे, पार्किंग में हमने अपनी कार खड़ी कर दी। 2 बजे करीब निकले थे और ऑलमोस्ट 2 घंटे कॉलेज में तो बस 10 से 15 मिनट ही लगे हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें कॉलेज में। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, आधे घंटे का काम था कॉलेज का। फाइनली वी रीच्ड 5 तारीख से, 5 सितंबर
से कॉलेज खुल रहे हैं इनके, BBA फर्स्ट ईयर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो देखते हैं फिर साहब का नया सफ़र शुरू होगा। हम भी यही दुआ उम्मीद करते हैं कि इनका सफ़र अच्छा रहे। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। आँखों को ये सूरत किसकी, नजर को देखो बेगम, देखो इन आँखों में ये सूरत किसकी, एक नजर तो देखो कम से कम।